नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटनाएं हुई, इससे हिंसा भड़क गई। वहीं दिल्ली के जेएनयू कैंपस में रामनवमी के दौरान नॉनवेज खाने को लेकर हंगामा हो गया। छात्रों पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, इसमें कई छात्र छात्राएं घायल हो गए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर कौन देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में जब देश को विकास के पथ पर आगे ले जाना है, अगर हम ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति में फंस जाएंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? आखिर कौन है वो लोग जो देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं? इसी पर बात करेंगे हम अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। रामनवमी के मौके पर रविवार को मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल तक देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक झड़प की घटनाएं हुई। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में ये घटनाएं हुई है। रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा या जुलूस निकाले जाने के दौरान ये झड़पें हुई। फिलहाल कई शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में लोगों के जुटने पर पाबंदी लगाई गई है। रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसक झड़प में 3 पुलिस कर्मियों समेत कई लोग जख्मी हो गए थे। हिंसा के बाद जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। इस घटना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अराजक तत्वों ने शहर के माहौल को खराब करने का काम किया है। उपद्रव करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया था, खरगोन प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चलवा दिया। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। बंगाल के हावड़ा से भी हिंसक झड़प की खबरें सामने आई। जिले के शिवपुर इलाके में रामनवमी के जुलूस पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हमले का आरोप लगाया है। एक पुलिस सिपाही और अफसर पर भी हमले की बात कही जा रही है। इस हिंसा में कई लोग जख्मी हो गए। इस घटना पर सवाल उठाते हुए अधिकारी ने कहा कि क्या राज्य में सनातन धर्म पर प्रतिबंध लग गया है? बीजेपी शासित राज्य गुजरात में भी रामनवमी के मौके पर हिंसा की खबर आई। यहां पर रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने के आरोप है। दरअसल गुजरात में हिंसा की दो घटनाएं हुई। एक घटना गांधीनगर से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित हिम्मत नगर में हुई। इसके अलावा खंभात में भी एक घटना हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वहीं झारखंड में हिंसक घटनाओं के चलते लोगों के जुटने पर पाबंदियां लगाई गई है। राज्य के लोहरदगा में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद धारा 144 लागू कर दी गई। महाराष्ट्र में भी कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आई। सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों बहनों ने इसके बारे में अपना अपना एक कंट्रोल रख के, संयम रख के इसमें रहना चाहिए। पुलिस अपनी तरफ से पूरी ध्यान रख के काम कर रही है। जो भी गलती किसी की होगी, मिलेगी, उसको छोड़ा ले जाएगा। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के अलावा दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प हुई। रामनवमी के मौके पर मास्क खाने और बनाने को लेकर लेफ्ट विंग के छात्र संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के छात्रों के बीच झड़प हुई। लेफ्ट विंग के छात्रों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के छात्रों ने नॉनवेज खाने को लेकर कावेरी हॉस्टल के मेस सचिव की पिटाई की। दरअसल जेएनयू में कावेरी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने रामनवमी के दिन कैंपस में हवन पूजन आयोजित किया था। ऐसे में एबीवीपी ने आरोप लगाया कि लेफ्ट विंग के लोगों ने पूजा में विघ्न डालने का काम किया। अब लेफ्ट विंग और एबीवीपी आमने सामने हैं। 4 बजे से पुलिस को कॉल्स जा रहे थे, 4 बजे से स्टूडेंट्स इंटीमेट कर रहे थे कि वायलेंस यहाँ ब्रेकआउट हो सकता है, कुछ हो सकता है यहाँ पे, आप प्लीज आ जाइए। पुलिस वहाँ आती है, जब हम बाहर निकलते 9 बजे के करीब, 4
पुलिस वैन वहाँ खड़ी होती है, कम से कम 8 से 10 पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ खड़े होते हैं, उनके सामने ये लोग आके हमें सेक्सुअल अब्यूज देते हैं, सेक्सुअल थ्रेट्स देते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। हम वहाँ खड़े पुलिस ऑफिशियल्स से विनती करते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम एबीवीपी है, वो इस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं हम तुम्हें खाना भी नहीं खाने, तो इस बात पे बात बढ़ती है और वो वहाँ नारे लगाते हैं झूठ, मतलब गाली गलौज इस टाइप के हाथ को, मतलब लड़कियों जो जो वहाँ आई थी, तो अब आप समझ सकते हैं झड़प वहीं से स्टार्ट हुई और इनको इतना मतलब लगभग 7 लोग या 10 लोगों को इस तरीके से मारा गया, और मतलब ऐसे मारा गया कि आप सोच सकते हैं उनको मतलब उठ एक को तो लातों से नीचे गिराने के बाद लातों से मारे जा रहे हैं। जेएनयू से जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि दिन भर ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। रात को भोजन के समय कम्युनिस्ट स्टूडेंट बॉडी से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों ने एबीवीपी के एक्टिविस्ट पे हमला किया, तमाम वीडियो और तथ्यों से ये साबित होता है। कहीं ना कहीं जेएनयू, जादवपुर और कुछ और ऐसे कैंपस जहां पे आज भी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, वहां पर स्टूडेंट्स को राजनीति के लिए प्रेरित किया जाता है और उनका दुरुपयोग किया जाता है। महासागर वाले मिजाज वाले मुल्क को हम गदले तालाब में तब्दील करना चाहते हैं। जो लोग आज प्रसन्न हो रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, इस तरह की परिस्थितियां कहीं गृह युद्ध को जन्म ना दे दे, कभी वस्त्र के लिए, कभी खान पीन के लिए, कभी बाजे गाजे के लिए, कहां ले जा रहे हैं हम इस देश को। मैं तो आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी इंटरवीन करें, सीधे तौर पर इंटरवीन करें। ये पहली बार नहीं है जब देश का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जेएनयू विवादों में है। दरअसल जेएनयू का विवादों से लंबा नाता रहा है। जेएनयू के लेफ्ट संगठनों पर कभी पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरा, तो कभी नक्सली हमले में मारे गए सीआरपीएफ के जवानों की मौत पर कार्यक्रम करने का आरोप है। जेएनयू से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद 9 फरवरी 2016 का है, जब कैंपस में 2001 में भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की तीसरी बरसी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा। जिस पर खूब बवाल भी हुआ। इस नारेबाजी के कुछ वीडियो सामने आए जिसमें कुछ चेहरा ढके हुए छात्र देश विरोधी नारे लगा रहे थे। इसको लेकर छात्र गुट आपस में भिड़ गए। जेएनयू 2020 में फिर से सुर्खियों में आया। 5 दिसंबर को कैंपस में नकाबपोश लोगों ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट की। कई छात्रों को इस दौरान अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा, लेकिन अभी तक गुनहगार पकड़े नहीं गए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देश के कई राज्यों के अंदर रामनवमी के मौके पर हिंसा की खबरें सामने आई और ऐसे में गुजरात, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी इस तरह की हिंसा की अलग अलग घटनाएं सामने आई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा तो बांकुरा में भी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, तो वहीं अलग अलग जिलों की या अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इस तरह की घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश सुलगता हुआ दिखाई दिया, खासतौर पर अगर हम खरगोन की बात करें तो वहां पर भी जुलूस के दौरान हिंसक घटनाएं हुई। सवाल इस बात को लेकर अब उठ रहा है कि आखिर हम देश को कहां लेकर जा रहे हैं? क्या ऐसा ही देश के हम कल्पना करते हैं? क्या ऐसे ही देश को हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं? और बात जब विकास की होनी चाहिए तो वहां पर आखिर हिंसक घटनाओं का कहां पर जगह है, या फिर क्या अब इनकी चर्चाओं का ही अब वक्त है? इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमन मलिक जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। नबील उस्मान जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर है। तबरेज हसन जी हमारे साथ है, स्टूडेंट है, लीडर जेएनयू के। और कंचन गिरी जी हमारे साथ है, धर्मगुरु। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है तबरेज जी। तबरेज, आगे क्या वजह है? जेएनयू हमेशा चर्चाओं में रहता है, ये तो आज की बात नहीं है ना, ये तो अगर हम इसके पहले का इतिहास उठा के देखें तो बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा जेएनयू का चर्चाओं में रहने का, और एक बार फिर से चर्चा में है, क्यों? कंचन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुई हैं, आपकी आवाज तबरेज मुझे नहीं मिल पा रही है, मुझे दर्शकों को भी मुझे लगता है आवाज नहीं मिल पा रही होगी आपकी। कंचन जी का रुख कर लेते हैं और आपसे एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं हम। कंचन जी, आप सवाल इस बात को लेकर है
क्या वजह आप मानती हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है? न सिर्फ मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, गुजरात में भी इस तरह के मामले सामने आए जहां हिंसक झड़प हुई, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, हर तरफ घटनाएं सामने आ रही है जहां पर हिंसक झड़प हुई रामनवमी पर। क्यों, क्या वजह इसके पीछे मानती हैं? ऐसा है कि देखिए जेएनयू हो गया, एमयू हो गया, यहाँ के जितने भी छात्र हैं आप देखे होंगे कि भारत के टुकड़े होंगे हजार, इस तरह से नारे लगाते हैं, रहते हमारे हिंदुस्तान में है, सारी सरकार से सुविधा लेते हैं यहाँ से, उसके बाद भारत के ही खिलाफ ये लोग मतलब अपना विरोध जताते हैं। जेएनयू जैसा कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए जहाँ इस तरह के छात्र पढ़ने के अलावे पढ़ने नहीं आते हैं। ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। जेएनयू में अगर एक अच्छे स्टूडेंट होते, वो पढ़ाई कर रहे होते, देश के भविष्य होते हैं स्टूडेंट, जो देश का भविष्य ना हो, देश का भविष्य ना सोचते हुए ये क्या कर रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े हजार होंगे, इस तरह के हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरह की घटनाएं बड़ा शर्मसार करने वाला है देश को कि एक कॉलेज जिसको बोलते हैं विद्या का मंदिर, जहां आप एजुकेशन के लिए जाते हैं, जहां से बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, और वहां के बच्चे इस तरह की अगर हरकत कर रहे हैं तो ये बच्चे नहीं, आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं, देश को टुकड़े करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनको बोलते हैं जेएनयू को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठीक है तब्रेज, उम्मीद करती हूँ आपको आवाज मिल पा रही होगी। जी हमारी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज मिल रही है। तब्रेज, अभी आपने सुना ना कंचन गौरी जी को, उनका कहना है कि जरा सी मामूली सा विवाद आखिर झड़प में क्यों तब्दील हो जाता है, क्यों आखिर जेएनयू लगातार चर्चाओं में बना रहता है? वहां पर जो छात्र है पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, सरकारी जितने भी फैसिलिटीज मिलती है उसका फायदा लेते हैं, उसके बावजूद भी देश विरोधी नारे लगाते हैं। अब जो हाल ही में मामला सामने आया है, वो हॉस्टल में नॉनवेज खाना परोसने को लेकर शुरू हुई बहस हल्की सी बहस थी, वो हिंसक झड़प में तब्दील हो गई, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। लेकिन देखिए, ये पहला मामला नहीं है कि जो जेएनयू पे इस तरीके से लांछन लगाया गया। ये 2016 में भी इसी तरीके से पुक्ट स्टोरी बना करके पूरी दुनिया में जेएनयू को बदनाम करने की साजिश की गई। लेकिन जेएनयू के जितने भी अकेडमिशियन स्कॉलर, जेएनयू के जितने भी लोग दुनिया में है, वो कहीं ना कहीं जेएनयू का वाले जो लोग हैं वो जेएनयू के जो ये समझते थे कि उनका एक छत्र राज है, उनकी टॉलरेंस लेवल थोड़ी सी बढ़ गई। नहीं, कौन लोग समझते थे सर? जो ये सोचते थे कि हिंदुस्तान उनके बाप का है, वो लोग जो ये कमेंट मारते थे कि इस देश में सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए संसाधन होंगे, वो लोग जो अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं भारत के कोट को बोलते थे, तो ये जो लोग हैं देखिए इनके अब छटपटाहट भी हो रही है। लेकिन मैं बहरहाल उसके ऊपर बात ज्यादा ना करते हुए जेएनयू के ऊपर बात करना चाहूंगा। ये जेएनयू के अंदर इतनी प्रॉब्लम क्यों है? वो इतनी प्रॉब्लम इसलिए है कि 42, 43 साल, 45 साल तक के उम्र के अधेड़ व्यक्ति पहुंच जाते हैं और सरकारी माल पे आराम से जीते गुजर करते हैं। हम 40 साल के थे, अपने आए अपने परिवार के लिए देश के लिए देश के आंदोलनों में भी जाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन हम ये नहीं करते थे कि 2012 में अपना साम्राज्य दिखाने के लिए, उसकी प्रचंडता दिखाने के लिए, उसका बाहुबल दिखाने के लिए देश के अंदर 20 पार्टी किसी यूनिवर्सिटी में करी जाए। तो ये तो फिर वही बात हुई कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, मैं तो ये टॉलरेट नहीं करूंगा कि कल को कोई
सुअर के मांस की पार्टी जो है जेएनयू में रखे, मैं नहीं टॉलरेट करूंगा। इसलिए नहीं टॉलरेट करूंगा कि वो जबरदस्ती किसी को चिढ़ाने, किसी को तंग करने की है। उसकी आस्था के लिए, मैं विश्वास के लिए मैं ये सोच सकता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर कल को ऐसे ही कोई करता है कि रमजान के महीने जेएनयू के अंदर पार्टी की जगह वोट पार्टी हो जाए, तो फिर कैसी मर्चें किस किस को कहां कहां लगेंगी, सोचिए जरा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, मैं एक सेकंड लौटती हूँ आपके पास, आती हूँ फिर से। नबील जी, सवाल इस बात को लेकर, अभी आपने सुना रमन जी का कहना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आज का जो हिसाब किताब है, आज का जो शासन चल रहा है, कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस वजह से इस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? मैडम, देश में सत्ता में बीजेपी है, जिन प्रदेशों में मामला हो रहा है उन प्रदेशों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, शासन प्रशासन सब बीजेपी के हाथ में है, ये देश बीजेपी के हाथों से निकलता चला जा रहा है, और ये देश जो हालात श्रीलंका में है उसी हालात की तरफ आज भारत देश बढ़ रहा है। सर, महाराष्ट्र में भी घटनाएं सामने आई, वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में भी घटनाएं सामने आई, वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। सर, मैडम, जो बड़ी घटनाएं सामने आई, जो बड़ा दंगा जहाँ पे हुआ, जहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ, गुजरात और मध्य प्रदेश में हुआ, जो कि कल हुआ, जो कि एमपी और गुजरात में जो घटनाएं हुई, जिसमें जिस तरह से एक भीड़ निकल के जाती है और जय श्री राम का नारा लगाकर मस्जिद को वेंडलाइज करती है, उसमें घुस जाती है और भगवा झंडा चढ़कर लगाती है और मुसलमानों पे पत्थर चलाती है, तो मैडम जो ये कह रहे हैं रमन मलिक जी कि एक कम्युनिटी है जो खुल के ना कह के एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, मैडम इस देश में अगर सब्र किसी ने किया और अगर संविधान पे कोई चला तो वो मुसलमान था, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट था। मैडम, जब भी कोई मामला होता है, जो जेएनयू में मामला हुआ, कल इतने सारे मुद्दे हुए, जगह जगह पे देश में कई राज्यों में मुसलमानों पे हमला हुआ, मुसलमानों पर बर्बरता हुई, लोग मस्जिदों में घुसे, मजारों को जलाया गया, और उस खबर को दबाने के लिए जेएनयू में इस तरह का कांड कराया जाता है ताकि एक और बड़ी खबर बन जाए, और जो इस तरह से मुसलमानों पर अनेक जगहों पर बर्बरता हुई उस खबर को दबा दिया जाए। ठीक है, क्या इस खबर को दबाने के लिए तबरेज इस तरह के मामले सामने आए जेएनयू में, या फिर ये सोची समझी प्लानिंग थी, या फिर अचानक इस तरह की चीजें हुई? अभी जो कंचन गिरी जी कर रहे हैं उनकी बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं। हमारी आवाज आ रही है अब तक? जी जी, उनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आज कर्नाटका में, या फिर आप देखिए मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में, या फिर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, मैं तो साफ खुल्लम खुल्ला इस बात पे चैलेंज करता हूँ, अगर जो लोग डिबेट में बैठे हुए हैं या जो लोग भी एबीवीपी के लोगों का समर्थक है, वो जाके जेएनयू प्रशासन से सिर्फ इतना कहे, क्या आप जेएनयू के स्टूडेंट हो, जेएनयू में किसी भी प्रोग्राम कर, क्या आप प्रशासन एबीवीपी के छात्रों का तो कहना है कि हम तो पूजा कर रहे थे, वो पूजा बर्दाश्त नहीं हुई बाकी लोगों से, लेफ्ट विंग से पूजा आज कोई थोड़ी कर रहा है, अगर पूजा किया तो क्या गुनाह किया? अब जब मुसलमान लोग फ्लाइट में भी नमाज पढ़ते हैं, रोड पे नमाज पढ़ते हैं, तब उनसे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। ठीक है, दो साल जेएनयू नहीं बोले, दो साल से मुसलमान बोलने वाला नहीं है, मौके पर एक सवाल है। ठीक है ठीक है, तब प्लीज आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं। रमन जी, सवाल इस बात को लेकर है, सर खरगोन में तो ये मामला सामने आया बिना सोचे समझे, सर आरोप ही तो लगा था, दोषी तो सिद्ध नहीं हुआ, घर पे बुलडोजर चलवा दिया गया, सर ये सही तरीका है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है, जिन्होंने तौसीफ अमानतुल्ला जैसे पाले हुए हैं ना, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब वो घर पे असला रखते हैं, केमिकल बम रखते हैं, पेट्रोल बम रखते हैं, तब इनके जो हनुमान चालीसा पढ़ने जाने वाला जोगी बाबा है वो क्यों नहीं कुछ कहता, वो क्यों चुप हो जाता है, क्यों गायब हो जाता है? और दूसरी बात, जब मैं आपसे आज कह रहा हूँ
देखिए जहां तक पहली बात, तो हमको जेएनयू की खत्म करनी चाहिए। जेएनयू को अगर बचाना है, मैंने पहले भी माननीय महामहिम देश के राष्ट्रपति जी को ये लिखा था, बोलेंगे तो आप लोगों के लिए दोबारा लिखूंगा कि जेएनयू को दिल्ली के भ्रष्ट वातावरण से बाहर निकालना चाहिए, उनको एकांत में पढ़ाई करने की जगह देनी चाहिए। इसलिए मेरा मानना ये है, सबसे अच्छी जगह दिल्ली से जेएनयू को बाहर निकाल के मेवात में खुले में भेज देते हैं, सबसे कम आजादी से बेचारे बच्चे पढ़ सकेंगे। 1000 acre का कैंपस इनको वहां पे एस्टेब्लिश करवा दिया जाए तो बहुत आसानी से पढ़ेंगे और उनका ध्यान भी इधर उधर भटकेगा नहीं। अब तो यातायात के साधन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरा विषय जो आप बार बार आपकी बातों पे गौर नहीं फरमा रही सरकार, सर देखिए इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी विचार देते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप लोग भी उठाइए ये बात कि जी दिल्ली के भ्रष्ट वातावरण से पॉलिटिकली चार्ज वातावरण, नहीं तो बाकी जगहों का क्या होगा सर? बाकी जगहों का क्या होगा? जो नबील उस्मानी जी कह रहे हैं कि मस्जिद पे जाकर आप भगवा झंडे लहराते हैं, वहां पे लगा देते हैं, उसका क्या? और सर ये नॉनवेज खाना ना खाना, ये तो उनका खुद का अधिकार है, मौलिक अधिकार है सर, ये इस पे रोक लगा देंगे क्या? उसका भी जवाब रमन जी सीधा रुक आपका कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। आप कह रहा था कि एक तो ये चीज भी जरूरी है समझने कि आप जब किसी मंदिर में बैठ के नमाज अदा करते हैं और बोलते हैं या गुरुद्वारे में कि जी ये सेकुलरिज्म का प्रतीक है, तो इतनी ही टॉलरेंस रख लेनी चाहिए। बहरहाल अगर हम टॉलरेंस को छोड़ भी दें तो मैं ये समझना चाहूंगा कि कौन से मस्जिद में जाके उसको जबरदस्ती हल्ला गुल्ला करा गया या तोड़ा गया? किसी को नहीं तोड़ा गया। कौन सी मस्जिद के ऊपर पेट्रोल बम डाल दिए, कौन सी मस्जिद के ऊपर पथराव कर दिया? किसी के ऊपर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मंदिरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, अब पीछे जो राजस्थान की घटना हुई उसके अंदर तो शासन भी कांग्रेस का, करने वाले भी कांग्रेस के चहे थे, और वो कितने सेकुलर थे कि सिर्फ 117 दुकानें जलाई और वो सारी की सारी एक ही हिंदू धर्म की थी, हिंदू लोगों की। कितना सर, ये इतना हिंदू मुस्लिम आखिर क्यों देश में हो रहा है सर? अभी हम विकास की बात करनी चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मस्जिद में झंडा लगा दिया गया, यहाँ पर बात हो रही है कि कहाँ पे कौन सा पेंट कर दिया गया। माइनॉरिटी के हैं तो आप ठीक, और अगर आप हिंदू पैदा हुए हैं तो इस देश में हिंदू पैदा होना आपके लिए गुनाह है, ये अब नहीं चलेगा, सेकुलरिज्म चलेगा। नहीं तो क्या? ठीक है कंचन गौरी जी एक सेकंड, क्या आप इसका समर्थन करेंगी कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया जाए, या फिर अगर कोई नॉनवेज खाना चाहता है तो ये तो वो खुद तय करेगा कि उसको नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है? ये हम तय करने वाले या फिर आप तय करने वाले कौन होते हैं? जन्मभूमि है, ये सनातन जन्मभूमि रही है और सनातनियों का पहला अधिकार बनता है। ध्वज है भगवा ध्वज, आज ही नहीं आदि काल से भगवा ध्वज रहा है। अगर कोई पड़ोसी आके हमारे यहाँ बस जाए और बोले हम अपना पूरा अधिकार इस पे जमाएंगे तो वो कतई होने नहीं देंगे। आपने आपको हमने अच्छे तरीके से यहाँ रखा है तो आप कायदे में रहिए, दायरे में रहिए। भगवा ध्वज अगर मस्जिद पर लग गया तो क्या हुआ? इतने मंदिर तोड़ तोड़ के इन्होंने जो कब्जा कर रखा है, वो मथुरा का जन्मभूमि कब्जा रखा है, काशी विश्वनाथ जो मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाया, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए ना कंचन जी, करवा दीजिए हिंदू राष्ट्र घोषित। तो ये यहाँ पर तो सभी को अधिकार है ना। अगर आप ये कहें कि नहीं आप नॉनवेज आज खाएंगे आज नहीं खाएंगे, तो ये कौन सा तरीका है? हमने उनको बहुत अच्छी तरह से भारत में रहने का वो दिया, बिल्कुल हम हिंदुओं का ये रहा है हृदय ऐसा कि हम सबको समाहित करने वाले हैं। लेकिन अगर ये ठीक है नबील जी ये भी खबरें सामने आई है कि ठीक है ये भी खबरें सामने आई है कि यात्रा पर पथराव किया गया, कई लोग घायल हो गए, ये भी खबरें निकल के सामने आई है, मंदिर पे पथराव किया गया, ये तरीके क्या ठीक है क्या?
मैडम कंचन गिरी जी लाइव डिबेट पे बैठ के अगर ये बोलती है कि हर हर मस्जिद पे भगवा लगाना सही है, तो मैडम इसके बाद कुछ कहा जाना खत्म, मैम यहीं पे सारी बातें खत्म हो जाती है। मैम अगर मैं मुसलमान होके या कोई भी मुसलमान जरा सी बात अगर बोलता है तो उसको सरकार बिना पूछे यूएपी और एनएसए लगा के सालों साल के लिए जेल में डाल देती है। और कंचन गिरी जी जो आतंकवाद की बात कर रही है, जो मस्जिदों पे भगवा लगाने की बात कर रही है, मैडम इसी तरह की घटनाएं होती चली आई। मैडम इनको मानने वाले लोग हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, जो मस्जिद के आगे जाके नाच करते हैं, जो मस्जिद के आगे जाके डीजे बजाते हैं, मस्जिद पे भगवा लगाते हैं। मैडम क्या ये टॉलरेंस की लिमिट है कि मुसलमान मस्जिद पे जाके मुसलमानों के घरों में जाके वहाँ भगवा लगाया जाए, वहाँ जाके डांस किया जाए, घरों में पथराव किया जाए? मुसलमान ठीक है रमन जी, रमन जी उत्तर, रमन जी क्या बात करेंगे मैम? टेररिस्ट ठीक है कंचन जी, ठीक है कंचन जी आतंकवादी हैं मैम, कंचन जी इज अ टेररिस्ट मैम। अगर मैम भारत एक सेकुलर देश है, अगर अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान अल्लाह के बताए, ऐसे मत करिए प्लीज कंचन जी, ऐसे मत करिए, एक एक करके बात रखिए। देखिए कितने अच्छे से आप लोग डिबेट कर रहे थे, सोच से बिलोंग करती हैं, इनकी सोच आतंकवादी है जो कि अभी डिबेट पे साफ साफ। ठीक है रमन जी, मैं तबरेज एक सेकंड में आ रही हूँ। ठीक है रमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सब, ये अगर कहा जाएगा कि हम मस्जिद पे भगवा झंडा लहरा देंगे, ये अगर कहा जाएगा कि जी अगर मस्जिद पे भगवा पेंट हो गया तो जी हमने किया है हम करेंगे, ये तरीका ठीक है क्या सर? ये बताइए। तो आतंकवाद की आतंकवाद है, हाँ। दिस इज प्योर टेररिज्म। ठीक है रमन जी, अरे मैडम मैडम दिख रहा है आतंक कौन कर रहा है? ठीक है कंचन जी, नबील जी प्लीज, कौन लहरा रहा है? ठीक है रुक जाइए रुक जाइए, रमन जी को बोलने दीजिए एक सेकंड। मैडम इस्लाम तो खत्म होना ही नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रोशनी रहेगी वहाँ वहाँ इस्लाम रहना है। इस्लाम को इस मुल्क से कंचन जी, नबील जी देखिए इस तरह से करेंगे मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी, ऐसे मत करिए प्लीज। बताने की कोशिश किया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, रमन जी को बोलने दीजिए, बाकी कोई नहीं बोलेगा अभी। ठीक है कंचन जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, अनुरोध कर रही हूँ मैं आपसे, प्लीज 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 थोड़ा सा शांत रहिए। एक एक इंसान बोल रहा है, एक वक्त बोल रहा, सुनिए। रमन जी सवाल मुझसे था, किससे था? रमन जी आपसे ही सवाल है, क्या ये क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब खबरें निकल के सामने आती है, कहा गया कि मस्जिद को भगवा पेंट कर दिया गया, जी वो तो गलती से हो गया, दीवारों पे पेंट होना था, वो सब जगह पे होना था, हो गया, अब वहां पे झंडा लहरा दिया गया जी, हो गया जी। भगवा पेंट करने की कौन सी जगह की खबर है सर? तो आपको पता होगा ना, आपको नहीं पता कहां पे पेंट करवाया गया था, कहां पे भगवा रंग करवाया गया था? मेरे को तो कोई ऐसी खबर नहीं मिलेगी सर, आप तो फिर अपडेट नहीं रहते सर। रमन जी तो जरूर मैंने देखा कि मंदिरों के अंदर मास्क फेंका गया, मंदिरों के अंदर पथराव करा गया, पेट्रोल बम फेंके गए, ये मैंने देखे हैं वीडियो, मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं आया। और मैं कई बार पूछता हूँ कि जब दूसरे लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं, ये हमारे देश के अंदर, हमारे सभ्यता के अंदर, हमारे हिंदू भाई बहन जो भी हैं सारे, वो कितने उन्होंने सहनशीलता सीखी है कि वो इतनी बड़ी हिमाकत के ऊपर भी सहनशीलता होकर डेमोक्रेसी का पालन करते हैं। तो मैं तो बोलूंगा कि मेरे पास तो ऐसी कोई खबर आई नहीं। हाँ ये जरूर मैंने देखा, अगर बोले तो कुछ वीडियो भेज देता हूँ, जहाँ पेट्रोल बम छतों पे कंचन जी, कंचन जी कह रहे हैं कि अगर इस राष्ट्र में रहना है तो लिमिट में रहना होगा। सर अब ये लिमिटेशंस कितनी है, क्या है ये, आप भारतीय जनता पार्टी तय करेगी या फिर कंचन जी तय करेंगे? कौन तय करेगा सर? ये सिंपल है, लिमिटेशंस क्या है ये कौन तय करेगा सर? देखिए अंतर्गत 70 रुपए से देखे 60-70 रुपए से लेके कंचन जी, कंचन जी प्लीज मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं, ऐसे मत करिए प्लीज, एक एक करके बोलिए प्लीज। संविधान भारत का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस किताब, वो बाकी जितनी किताबें है ना उनको छोड़ दीजिए, अगर इस हिसाब की किताब के साथ आपने इस भारतवर्ष में रहना है तो आपका स्वागत है, वरना आपको एक पिक्चर आई थी अतिथि कब जाओगे, तो जहाँ जाना है आप जाइए, वहाँ मौत से रहिए, यहाँ रहना होगा। सर ये बताइए ना मुझे, अगर जेएनयू में नॉन वेज किसको खाना है किसको नहीं खाना,
ये एबीवीपी के छात्र तय करेंगे क्या? नहीं तो जिस दिन ईद हो उस दिन अगर पोक पार्टी रख दी जाएगी तो वो उससे जो क्या कहते हैं सामाजिक समरसता है वो जब खराब होगी तो क्या उसके लिए आप एबीवीपी के या किसी और को आप गुनहगार ठहराएंगे? और उसी तरीके से रामनवमी के दिन अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आपके पेट में कौन से चूहे कूद जाएंगे, हाथी कूद जाएंगे? एक दिन रह सकते हैं ना बिना मीट के, आफत तो नहीं आ जाएगी? ऑक्सीजन तो नहीं है मीट की, ऑक्सीजन के बिना आप जी नहीं सकते? नहीं तो सर ये बताइए ना खाइए बनेगा? इससे पहले भी तो सर, इससे पहले रामनवमी नहीं आती थी क्या? आती थी, इससे पहले नवरात्र नहीं आते थे, रमजान नहीं आते थे, ईद नहीं आती थी सर, क्या नहीं आता था? आती थी, पहचान नहीं पा रहे थे कि शेर का बच्चा है या मेमन का बच्चा है। ठीक है तबरेज खान जी, तबरेज हसन जी, माफ कीजिएगा, सवाल ये है सर तबरेज जी कि अगर एक दिन मीट नहीं खाएंगे, एक दिन नॉन वेज नहीं खाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? रमन जी कह रहे हैं, क्यों इतना बवाल हुआ सर? देखिए रमन जी से ये सवाल हमारा है कि क्या रमन जी के इंस्ट्रक्शन से विश्वविद्यालय चलेगा या विश्वविद्यालय का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे चलेगा? अगर रमन जी कह रहे हैं एक दिन नहीं खाएंगे चिकन मटन जो भी हो, ठीक है ना, लेकिन सवाल ये है कि अगर नहीं खाएंगे या आपको दिक्कत है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप एक आवेदन एक एप्लीकेशन देते प्रशासन को, फला फला डेट को, फला फला डेट को रामनवमी है और उस दिन चिकन मटन नहीं हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको बिल्कुल कुक्ड स्टोरी एकदम बना बनाया हुआ स्टोरी बनाना था, पूरे देश में उन्माद फैलाना था, उत्पाद फैलाना था, जिसकी वजह से जेएनयू जो सबसे बड़ा युद्ध का बड़ा जेएनयू सेक्टर था, आज मतलब टारगेट रहा था, जिस वजह से जेएनयू को टारगेट क्या एक दिन में या एक महीने में तय होता है? सुनिए मेरा सवाल तो हॉस्टल का वार्ड है। ठीक है जहाँ जाते हैं बुलडोजर चलवा देते हैं, ठीक है। रमन जी ये कह रहे हैं कि आप लोग चलाएंगे क्या? ये जो नियम कायदे बने हुए हैं जेएनयू में उससे चलेगा जेएनयू? जब 2012 के अंदर यही विश्वविद्यालय था, यही पढ़ाई का मंदिर था, यही कॉन्स्टिट्यूशन थी, यही बच्चे थे, यही जमात थी, उस समय जब बीफ पार्टी होती है तब क्यों नहीं ये अंगारे निकले थे? तब मुंह में क्यों दही जमी थी? अगर वो बीफ पार्टी अच्छी लग रही थी तो वो किस हिसाब से अच्छी लग रही थी? अगर वो बीफ पार्टी अच्छी लग रही थी और रमजान के महीने हैं उसमें क्या वो सुअर का मांस खाना शुरू कर दे? कोई उदाहरण दे दीजिए, नेशनल टीवी पे झूठ मत बोलिए, आप उसका कोई उदाहरण? 2012 में तबरेज एक सेकंड रुकिए, मुझे बताइए, आपने कहा जेएनयू के नियम कायदों के हिसाब से जेएनयू चलेगा, तो क्या नियम कायदों में ये आता है कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे? ये आता है क्या? नारा लगा है एक सबूत आप दिखला दीजिए, क्यों कितने तो नारों के आपने नहीं देखा है क्या? तबरेज जी क्या बात आप कर रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहाँ लगा था ये नारे? वहाँ पे तो ऐसे भी प्रोफेसर हैं जो चालू करके प्रोफेसर बन गए वही नारे के बल पे। ये आता है जेएनयू के नियम कायदों में क्या? 2016 में यही कहानी गढ़ करके जेएनयू को एक अखाड़े का मंच बना करके आज जेएनयू में तो कॉल्ड जेएनयू में एक सेकंड प्लीज ऐसे मत करिए प्लीज, जो राजनीति कर रहे हैं वो कहीं कहीं हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की पूरी एक समझे उनका मानसिकता पूरे देश के लिए यह शर्मनाक घटना है की शिक्षा की मंत्री को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। अभी शिक्षा सोचना चाहिए, वो जो शिक्षा का मंदिर है अगर वो बचेगा तभी हम बचेंगे, तभी आपके बच्चे भी बचेंगे। आप उसको क्यों सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं? आप उसको क्यों वहाँ पे कमलन रंग दे रहे हैं?
जबकि वहाँ किसी तरह की क्रिमिनल वायलेंस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ लंपटों द्वारा वहाँ पे एक वेंडर को रोका जाता है, एक वेंडर को मारा जाता है। कितनी बार तो लेटर लिख चुके हैं, भारतीय की सुनवाई नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी में। आप बार बार कह रहे हैं मेवात भेज दे, मेवात भेज दे, अभी कह रहे हैं कि हमने लेटर लिख दिया, आपकी कोई सुन नहीं रहे सर। क्या करेंगे सर मेवात भेज के, कैसे भेजेंगे मेवात सर? रमन जी मेवात भेजेंगे? बिल्कुल नहीं मैम, मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन था मैम, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन था, आप क्यों नहीं आके प्रशासन से परमिशन ले लिए? क्यों आप जाकर के कहते पत्थर लाठी हमेशा उठा लेते हैं? दिसंबर में 2020 जेएनयू में पूजा पाठ करना गुनाह है क्या सर? गुनाह है क्या? या रमजान में नमाज नहीं पढ़ते आप लोग? आपके भी बच्चे पढ़ेंगे, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, और भी दिगर लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। उस शिक्षा के मंदिर को बर्बाद मत कीजिए सारे लोग। चलिए अच्छी बात है, आपने शिक्षा का मंदिर कम से कम उसे एक्सेप्ट किया सर, या रमजान हो एक्सेप्ट करिए सर। ठीक है ठीक है, मंदिर में अगर पूजा पाठ की जा रही है तो क्या वो गलत है क्या? मंदिर में अगर पूजा पाठ की जा रही है तो वो गलत है क्या? मैम मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ, हमेशा वहाँ पे रामनवमी का सेलिब्रेशन होता है। हाँ। सारे स्टूडेंट टीचर कर्मचारी सब लोग एकदम बिल्कुल खुशी खुशी मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन कल ही का दिन आप देखिए ऐसा क्यों किया गया? इससे पहले कभी कुछ बात, वहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, वहाँ पे ईद में भी सारे स्टूडेंट हिंदू मुस्लिम सब एक मिल करके वहाँ पे सेवा खाते हैं, वहाँ पे दुर्गा पूजा ऐसा विवाद क्यों क्रिएट हुआ सर? ऐसा विवाद क्यों क्रिएट हुआ तब्रेज जी? कुछ लंपटों द्वारा बाजाबता वहाँ पे जो वेंडर के साथ जो मारपीट किया गया उसी वजह से वहाँ पे क्रिएट हुआ, वरना तो वहाँ कोई इश्यू ही नहीं था। ये तो खूब स्टोरी है, वहाँ पे जो मैनेजर है मेस मैनेजर, जब उसको डेथ जो मौत की जब धमकी दी गई तब उस वक्त वहाँ पे इशू था, और वहाँ पे सेक्रेटरी है उसको मारा गया, कई जो साथी है महिला साथी देख लीजिए मधुरिमा को कितना वो इंजर्ड है, आप देख लीजिए वहाँ कंचन को कितना वो इंजर्ड है, आप देख लीजिए अपना रिश्ता जो है कितना इंजर्ड है। ठीक है चलिए, खास में लगातार बने हुए ठीक है। नबील जी अब सवाल ये कि आखिर इतना विवाद क्यों सर? ये छोटी छोटी चीजें निकल के सामने आ रही है। जेएनयू में भी कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं था लेकिन उसने बड़ा रूप ले लिया। पश्चिम बंगाल की बात करें, गुजरात की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, छोटी छोटी सी घटनाएं थी जो कि बढ़कर बड़े रूप के कहीं ना कहीं सामने आई। अब ऐसे में क्या वजह आपको इसके पीछे लग रही है? क्या वजह इसके पीछे कि सर छोटे से मामला होता है लेकिन वो आग की चिंगारी की तरह फैल जाता है? दंगाई लोग देश में रहेंगे जो लोगों को भड़काएंगे, इस तरह का बयानबाजी करेंगे कि मस्जिदों में भगवा लगाएंगे, मस्जिद में भगवा झंडा लगाएंगे, मस्जिद को भगवा झंडा भगवा पेंट करेंगे, एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए नबील जी, सुनिए अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं और सब भाई भाई की बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं, सुनिए एक सेकंड, अगर हम ये कहते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसकी खूबसूरती है कि यहाँ पर सब एकजुटता के साथ रहते हैं, तो वहां पर अगर मस्जिद में भगवा झंडा लग जाए या मंदिर में हरा झंडा लग जाए या फिर यूं कहें कि अगर आप ये कहें कि नमाज पढ़ लें, तो सर इसमें क्या बुराई है? क्या इसमें कोई बुराई है क्या? इतना उग्र क्यों होना है नबील जी? चलिए मामला दरअसल देश के अलग अलग राज्यों से है जो जिसपे आज हम बात कर रहे हैं। मामला यही है कि आखिर सांप्रदायिक हिंसाएं क्यों फैल रही है, क्यों भड़कती जा रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो मामले सामने आए हैं, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और बांकुरा में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा फैल गई थी, बजरंग दल की इस शोभा यात्रा में जमकर हिंसा हुई और घटना की जानकारी मिलने के साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आखिर क्यों सुलगा मध्य प्रदेश, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी पर जुलूस के दौरान ही हिंसा हुई, हालात को काबू करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। खबर है कि खरगोन में उपद्रव उस समय शुरू हुआ जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। दरअसल जुलूस में डीजे भी बज रहा था, रमजान के कारण कुछ लोगों ने डीजे बंद करने के लिए कहा, इस पर विवाद खड़ा हो गया और फिर पथराव शुरू हो गया। तो खरगोन का ये पूरा मामला है जहां पर बताया जा रहा है कि डीजे पर उसको बंद करवाने के लिए बात हुई और उसी पर ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया।
ठीक है, और खास मेहमान लगातार बने हुए हमारे साथ कनेक्ट हो गए एक बार फिर से। नबील, आपसे मैं सवाल करूंगी, दरअसल क्योंकि अगर हम भारत की बात करते हैं सर, यही इसकी खूबसूरती है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी भेदभाव नहीं करते थे और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो देश में माहौल है, अगर मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया और आपने मंदिर के अंदर जाके नमाज पढ़ ली, तो सर इसमें क्या बुराई है? कई राज्यों ने एक्शन लेते हुए कहीं ना कहीं जो लोग आरोपी थे उनको गिरफ्त में भी लिया और पुलिस इस पूरे मामले पर एक्शन भी लेती हुई दिखाई दी, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरह के मामले क्यों बार बार सामने आ रहे हैं, क्यों आगजनी, क्यों हिंसा की खबरें सामने आती है और क्यों इस पूरे देश को धर्म के आधार पर बटने दिया जा रहा है? क्योंकि बात आज विकास की होनी चाहिए, बात आज होनी चाहिए कि हम बाकी देशों के मुकाबले भारत को कैसे ऊपर लेके जाए, लेकिन यहाँ पर बात धर्म की हो रही है और धर्म के साथ साथ बात हो रही है कि आखिर यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई, क्या हमें सनातन धर्म को मानने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? इस तरह की तमाम चीजें जो निकल के सामने आ रही है, जाहिर तौर पे ये अपने आप में कई सवालिया निशान उठाती है, लगाती है और साथ ही साथ भारत को कई और कदम पीछे भी धकेलती है। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।